रो क्यों रहे हो? क्या हुआ मुझे बताओ। मैडम जी, मैं अपनी पत्नी और बच्चों से बिछड़ गया हूँ। ओहो, ये तो बहुत दुख भरी बात है। मैडम जी, अगर आप मुझे 150 रुपए दे दो ना, तो मैं अपने बच्चों और पत्नी से मिल सकता हूँ। कहाँ पर है तेरी बीवी और बच्चे? मैडम जी, वो है ना मल्टीप्लेक्स में, वो फिल्म आई है ना टाइगर अभी जिंदा है, वो देख रहे हैं। तुम भीख क्यों मांगते हो? कोई काम क्यों नहीं करते? मैडम जी, काम तो तभी करूँ ना जब इस धंधे से फुर्सत मिले। हैं? चलो मैडम जी, अब कुछ तो कुछ दे ही दो ना, प्लीज मैडम जी। मेरे पास छुट्टे वुट्टे नहीं है, कल आके ले जाना। मैडम जी, पेटीएम तो होगा, पेटीएम से ही कर दो ना प्लीज। चल फूट यहाँ से, पेटीएम तो होगा। मैडम जी, मैंने एक किताब लिखी थी, उसमें लाखों कमाने के 100 आसान तरीके थे। तो फिर अब बिल क्यों मांग रहे हो? मैडम जी, ये उस किताब का लाखों कमाने का सबसे आसान तरीका था। मैडम जी, अब तो 10 रुपए दे ही दो ना, भगवान आपकी तरक्की करेगा। ठीक है, पर मेरे पास छुट्टे वुट्टे नहीं है, कल आके ले जाना। मैडम जी, हमारे धंधे में उधार नहीं होती, या तो कैश चलता है या फिर पेटीएम से पैसे देने होते हैं। पहले मैं बोलूंगी। मैं राजस्थान का हूँ, मैं बोलूंगा। मैं भी हरियाणा और राजस्थान दोनों में काम करती हूँ, मैं बोलूंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा। हाँ, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।